साथियों, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और उसके हाल ठीक कतई नहीं कहे जा सकते। चिंताजनक स्थितियों के बाद भी पिछले कई महीनों से एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। अधिकारी हालत बेहतर करने, शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के उपाय की बजाय नवाचार के नाम पर विदेशी शिक्षा व्यवस्था से प्रेरणा ले रहे हैं। शिक्षकों के लिए दंडात्मक कार्रवाई में आगे शिक्षा विभाग, वेतन और एरियर भुगतान करने में फिसड्डी। साथ ही कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे होने पर कहा जा रहा है कि सरकार ने वचन पत्र में से 110 वादों को पूरा किया। दोस्तों, इस प्रकार की पूरी खबर के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। शिक्षकों के लिए दंडात्मक कार्रवाई में अग्रणी शिक्षा विभाग, स्वतों के भुगतान में फिसड्डी, वेतन और एरियर के भुगतान में फिसड्डी। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने पर कुपित शिक्षकों ने आदेश की होली दहन कर विरोध प्रकट किया था, जिसकी त्वरित प्रक्रिया में संचालक लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल ने आंदोलनकारी शिक्षक कर्मचारियों के खिलाफ 3 मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष प्रमोद तिवारी व प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैया लक्षकार ने संयुक्त प्रेस नोट में बताया, ऐसी तत्परता शिक्षा विभाग शिक्षक कर्मचारियों के स्वतों के भुगतान में अपनाने में फिसड्डी साबित हो रहा है। नवीन शिक्षक संवर्ग को 6वें वेतनमान के एरियर की द्वितीय किस्त, 7वें वेतनमान को नियमित करना, शिक्षक संवर्ग व नवीन शिक्षक संवर्ग को पात्रता अनुसार वरिष्ठ वेतनमान, द्वितीय व तृतीय कर्मोन्नति वेतनमान में नियमित कर दे एरियर का भुगतान, अध्यापक संवर्ग को हड़ताल अवधि का वेतन, शासन व आला अधिकारियों के दिशा निर्देश के बावजूद जिलों में 100% भुगतान नहीं हो पाया है। यहाँ विभागीय आला अधिकारियों की चुप्पी दोहरे दृष्टिकोण को उजागर करती है। जबलपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 6 दिसंबर को जारी आदेश से कौशालय आपत्ति को लेकर नवीन शिक्षक संवर्ग को 7वें वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान पर रोक के साथ वसूली के निर्देश दे दिए। शिक्षा विभाग में षड्यंत्र के तहत शिक्षक कर्मचारियों को प्रताड़ित व परेशान किया जा रहा है। वहीं स्वतों के भुगतान में जिलों में अनावश्यक विलंब कर भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल से मांग करता है कि शिक्षक कर्मचारियों के स्वतः के भुगतान में समय सीमा तय कर जवाबदेही सुनिश्चित कर उपेक्षा करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। प्रदेश में शिक्षकों के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई में तत्परता व स्वतः के भुगतान में लचर कार्यप्रणाली वाला दोहरा रवैया समाप्त किया जाना चाहिए कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में निश्चित होकर प्रदेश में शिक्षक समर्पण भाव से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में संलग्न हो सके। सबसे बड़ी खबर, जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़त की उम्मीद। पहली जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की उम्मीद। इससे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का डीए 17 से बढ़कर 21% तक पहुंच जाएगा। पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़कर 21% हो जाएगी। कमलनाथ सरकार के एक साल पूरा होने पर कांग्रेस मनाएगी जश्न, तैयारी हो गई शुरू। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार ने वचन पत्र में किए गए 110 से अधिक वादों को पूरा किया है। एक वर्ष पूरा होने पर राज्य के लोगों को सरकार की उपलब्धियों पर अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के एक साल पूरा होने पर कांग्रेस जश्न मनाएगी। कांग्रेस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। पार्टी द्वारा राजधानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा पूरे किए गए वादों के बारे में जनता को बताया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। पार्टी द्वारा राजधानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा पूरे किए गए वादों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय नेताओं को भी बुलाया जा सकता है। इस दौरान पार्टी विजन डॉक्यूमेंट 2025 भी जारी करेगी। इसमें पार्टी क्षेत्रवार कामकाज के बारे में बताएगी। सरकार बुनियादी ढांचे, उद्योगों, शिक्षा, रोजगार सृजन और सुरक्षा सहित दृष्टि दस्तावेज में क्षेत्रवार प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। कांग्रेस मीडिया के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने वचन पत्र में किए गए 110 से अधिक वादों को पूरा किया है। एक वर्ष पूरा होने पर राज्य के लोगों को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। सरकार द्वारा पूरे किए गए वादों में से मुख्य रूप से वे हैं जिनमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। के टॉपिक पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल द्वारा जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं। उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।